हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, हमारे सभी साथियों को दुविधा के लिए अत्यंत खेद प्रकट कर रहा हूं मैं। क्या हो गया कि तकनीकी युग के अंदर शायद मुहूर्त नहीं देख के आए थे 10:30 बजे को लेकर, इसीलिए क्लास चल नहीं पाई। पहले मुझे कंफर्म करो ऑडियो वीडियो आप तक एब्सोल्युटली क्लियरिटी के साथ पहुंच रहा है, यस और नो? एक बार मैसेज आना चाहिए मेरे पास, यस सर एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर, एक मैसेज आ जाए। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, अगर वीडियो का क्लियरिटी आप तक आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में डन कर दो यस सर ऑल क्लियर, फिर मैं आज की इस क्लास को क्या करता हूं शुरू करूं। सभी को बहुत ही शानदार वाला गुड मॉर्निंग है। मुझे सिर्फ एक बार कंफर्मेशन दे दो, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो इज क्लियर एंड वीडियो इज क्लियर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ओके, वेरी गुड। चलिए, एक ये मैसेज देखकर मुझे सर ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा, इतनी खुशी होती है जब लिखा आता है ना यस सर ऑल ओके। लाइफ में जब ऑल ओके होता है तो आनंद ही कुछ और होता है लाइफ का। चलिए, तो आज एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने मुझे शेयर करना है, बट इस टॉपिक को है ना दिमाग से मत सुनना, इस टॉपिक को जज्बात से सुनना, फीलिंग के साथ सुनना। पर्सनल लॉ नाम है इसका, और इस लॉ को अगर आप पर्सनली नहीं पढ़ोगे तो ये अधूरा रह जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, मतलब इसमें आनंद ही आनंद आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों के सामने ज़रूर बताऊंगा, जो अपने एग्जिस्टिंग बैच हैं आरजेएस के कैंडिडेट्स के, चूँकि उनको भी ये अवेलेबल करवाया जा रहा है इन बोनाफाइड इंटरेस्ट, ताकि जो बिहार जुडिशरी के कैंडिडेट्स हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही पाए। बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पर भी हिंदू लो आता है समझ लो, जिनके सिलेबस में नहीं भी आ रहा है, अरे भाई पढ़ लोगे तो कोई अंतर मंतर हो जाएगा क्या, साइड इफेक्ट हो जाएगा क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, अच्छे से पढ़ो, इसको मज़ा आएगा। और इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें जिसको हम लिंक भी करेंगे हमारे दूसरे प्रावधानों से भी। ओके, अच्छा, आरजेएस बैच के अंदर एक लास्ट टाइम रिसेंटली एक टेस्ट हमने करवाया था सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का, नए वाले बैच में नहीं था, पुराने वाले बैच में था। उसका रिजल्ट मैं यहां पर पहले आपको डिक्लेयर कर देता हूं। वहां पर ऑलमोस्ट 550 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था आउट ऑफ 1000, जिनमें से 450 ने नहीं किया, तो उनकी अलग से इंक्वायरी की जाएगी कि भाई क्यों, भाई क्या हो गया, टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। अब ये जो टेस्ट हुआ था, इसमें कैंडिडेट की परफॉर्मेंस वाकई में प्रशंसनीय है, सराहनीय, अप्रिशिएबल है। टॉप 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहां पर लेके आया हूं मैं, टॉप 31 कैंडिडेट जिन्होंने उस एग्जाम टेस्ट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑर्डर 1 से लेकर 100 तक का एक सब्जेक्टिव टेस्ट था। नए वाला जो हमारा स्टेट जुडिशरी का बैच है, उसमें अभी तक वीकली टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं, कुछ टाइम बाद होंगे, वहां पर डेली क्विज चली रही है। इस पूरे टेस्ट के अंदर सबसे पहले टॉप रैंकर रहे हमारे मोहिनी भार्गव जी। मोहिनी भार्गव जी इंदौर से, एमपी से हैं, ऑनलाइन कैंडिडेट हैं, इनके द्वारा टॉप रैंक 46 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, अप्रिशिएबल, आई पर्सनली क्लैप फॉर दिस गर्ल। आपको क्या करना है, इस हुनर को इसी तरीके से बरकरार रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर अप्रिशिएबल वर्क किया है अपूर्वा निगम जी, रेणु सवनकर जी, कनिष्का जी, रमन फोविया जी, स्नेहलता वर्मा, श्वेता सेनी जी, मनीष जी, गिरिराज जी, दादिश, निकिता जी सिंह, निधि जी मीणा, विजय जी, महिमा काबरा, भूमिका पारिक, शबनम सिंह जी, एडवोकेट संध्या जी, भास्कर सोनी जी, आशीष जी गोयल, हीना जी भूदरा, सरोज जी राठौड़, आयुष जी, कमल मोदी जी, ऋचा राठौड़, पूजा जी, निधि जी, गिरजा सोनी जी, हिमानी मंडल जी, रुचि जी, विनीता प्रजापत जी और नवजोत शर्मा जी। टॉप 30 कैंडिडेट्स की यहाँ पर मैंने लिस्ट एलोबरेट की है, और मुझे बहुत खुशी है कि इन कैंडिडेट्स ने अपने मतलब फुल एफर्ट से बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सिलेबस को भी कवर किया है, साथ साथ में इस चीज़ को अटेम्प्ट भी किया है और अच्छी रैंक भी सिक्योर की है। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया होगा निस्संदेह, लेकिन अब कमियों को ऑब्जर्व करना है। आप देख रहे हो टॉप कैंडिडेट्स भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाया है, तो 4 सवाल जो गलत हुए वहाँ कहाँ हुए? क्या वाकई में क्लरिकल और टाइप की एरर थी इस कारण गलत हुए, या कहीं कि हमारे भी अंडरस्टैंडिंग के समझ का फर्क रहा है? ये आपको देखना रहेगा। चलिए, इसी चीज को बरकरार रखना, देखो ऐसा है, नंबर 1 आना आसान है, नंबर 1 को बरकरार रखना मुश्किल है। ठीक है, टॉप 30 में आप आ रहे हो, अच्छी बात है, टॉप 30 में खुद को मेंटेन कर पाओगे वो उससे भी ज्यादा अच्छी बात होगी, राइट? चलिए,
अब बात करता हूं मैं मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, हम हमारे हिंदू लॉ के ऊपर। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट है ना। अब चूंकि आधा घंटा तो हमारा तकनीकी समस्या ने कट कर दिया है, तो उसका तो क्या करें, एक घंटा पूरा इस टॉपिक को एंजॉय करना है। एक घंटा क्या करना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। ओके, चलिए अब अगले एक वन आवर तक किसी भी अन्यथा का कमेंट मत सुनना, क्योंकि मैं अगले एक घंटे तक पूरा बिल्कुल खुद को डिवोट करके ये बात बताने वाला हूँ। ओके, हो सकता है बीच में मैं शायद यहाँ से रियलिटी की दुनिया से गायब होकर वर्चुअल दुनिया में चला जाऊँ, आप भी मेरे साथ साथ चलना वहाँ पर। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पार्शियन लॉ, अलग अलग कम्युनिटी के कई मामलों के अंदर कुछ पर्सनल लॉ बन रखे हैं, है ना। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, अभी तक बना नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन सारे सिविल मैटर्स अभी तक यूनिफॉर्म लॉ से गवर्न नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर बेसिकली देखा जाए ना तो सेमी यूनिफॉर्म सिविल लॉ, समझना इस शब्द को, एक शब्द इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर, UCC, इसको क्या कहा जाता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर सेमी UCC की अप्रोच चलती है। सेमी UCC मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिविल मैटर हैं लेकिन वो सब पर लागू होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी, सिख या कोई भी हो, है ना, सब पर लागू होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पर्सनली उन पर लागू होती है। जैसे अभी एक थ्री इंस्टेंट, एक साथ में तीन तलाक बोलने वाला जो सीन था, वो सिर्फ मुस्लिम लॉ में लागू होता था, वो पर्सनल लॉ का स्पेसिफिक चीज़ है। तो यहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक ऐसा भाग है जो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ उस पर लागू होता है, और दूसरा ऐसा भाग होगा कॉमन। देखो ध्यान से समझना, सबसे अहम होता है बैकग्राउंड को समझना। ये अधिनियम एक्ट वैक्ट को करना है, मैरिज एक्ट को पढ़ना वढ़ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बेसिक चीज होती है जो रूट होती है, जो नींव होती है, उसको डेवलप होते हुए देखना, समझना उसको। तो इंडिया के अंदर जितने भी हमारे सिविल लॉ हैं उनमें से 50% सिविल लॉ अभी भी यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक पार्टी हिंदू है, दूसरी पार्टी मुसलमान है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किससे गवर्न होंगे वो गवर्न होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कुछ फर्क पड़ा क्या हिंदू मुस्लिम होने का? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे कई लॉ, CPC की जो प्रक्रिया है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन को नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल एज इट इज अप्लाई होती है, जैसे कि सामान्य नागरिक पर अप्लाई होती है। जो मैटर इसके अंदर कवर्ड होते हैं, जो मैटर इसके एक्सक्लूसिव होते हैं, उन मैटर्स में क्या क्या आ सकता है भाई? जैसे कि शादी वाली बात आ गई, मैरिज को लेकर, जैसे कि तलाक को लेकर बात आ गई, ठीक है, जैसे कि भरण पोषण मेंटेनेंस को लेकर इश्यू आ गया, उत्तराधिकार की बात आ गई, उन पर्टिकुलर कुछ मैटर्स के अंदर क्या है कि हिंदुओं का अपने आप में एक अलग लॉ चल रहा है, मुस्लिम का अलग लॉ चल रहा है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी हो सकता है कुछ अलग तरह का लॉ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर रखा हो। तो ये अपने आप में चीज हो सकती है। आज एक टॉपिक हमें लेना है, दैट इज हिंदू लॉ। मैंने आपको पहले ही कहा है ये पर्सनल लॉ है, इसको पर्सनली लेके समझना, पर्सनली लेके चलना। जब मैं हिंदू लॉ पढ़ रहा हूँ तो ये मत सोचो कि आप मुस्लिम हो तो इसको पर्सनली कैसे ले सकते हो। जब मैं मुस्लिम लॉ पढ़ रहा हूँगा तब ये मत सोचो कि मैं तो हिंदू हूँ, मुस्लिम लॉ मैं इसको पर्सनली लेके कैसे पढ़ सकता हूँ। अरे कुछ नहीं है, वी ऑल आर द लॉ प्रोफेशनल एंड लॉ प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज सेक्युलर। ये लाइन है ना, अपने माइंड के अंदर स्टिक कर देना। लॉ प्रोफेशनल हमेशा क्या होता है? सेक्युलर होता है। सेक्युलर मतलब उसका कोई रिलीजन नहीं है। आप वकालत कर रहे हो, कोई क्लाइंट आएगा, आप हिंदू हो, मॉर्मन क्लाइंट है, केस लेने से मना करते हो क्या? आप मॉर्मन एडवोकेट हो, आपके सामने हिंदू क्लाइंट आ रहा है, केस लेने से मना करोगे क्या? नहीं। जिस तरीके से इंडिया की करेंसी सेक्युलर होती है ना, समझिए इंडिया की करेंसी सेक्युलर कैसी होती है, हिंदू के पास भी वही चलेगी, मुस्लिम के पास भी वही चलेगी, क्रिश्चियन के पास भी वही चलने वाली है, अलग अलग नहीं होने वाली है। उसी तरीके से लॉ प्रोफेशनल भी सेक्युलर होता है। इंडिया हमारी कंट्री कैसी? सेक्युलर। इसका अपने आप में कोई रिलीजन नहीं है, सब धर्मों का क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, और वो बात चली जाती है। ओके, तो अब धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं, और फर्स्ट स्टेज है आपका हिंदू लॉ। समझना, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज हम डिस्कस करेंगे।
यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत के अंदर जो क्रिमिनल है वो तो वैसे भी यूनिफॉर्म है, इंडियन पिनल कोड वैसे भी क्रिमिनल कोड है जो सब पर लागू होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। और मैं आपको एक बात बता दूं, रिसेंट अभी राजस्थान हाईकोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन को आप गिरफ्तार करते हो तो उसकी जाति वाति मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्टिंग थिंग, एससी एसटी के मामलों को छोड़ दो, बाकी जाति वाति आप मेंशन मत करो। अरे तो लॉ तो अपने आप में, जो हाईकोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो अपने आप में लॉ को बिल्कुल भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। देखो धर्म तो पहले भी लिखना जरूरी नहीं था सामान्य मामलों में, अब जाति को भी हटाने का प्रावधान आ गया। अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। कुछ जो कुप्रथाएं हैं, कुछ जो ऑर्थोडॉक्सी ट्रेडिशन चल रही हैं, उनको हटाने का तो एक ही तरीका है, कट कर दो। ये आपका नाम है, इसमें से सरनेम को कट कर दो, दैट्स ऑल, मामला ही खत्म। बहुत सारे ऑफेंस इससे क्या हो सकते हैं, सॉर्ट आउट हो सकते हैं। चलो बाहर आ जाते हैं वापस, हिंदू लॉ पर बात करते हैं। देखो इसके नाम से पहला शब्द आ रहा है हिंदू, है ना, तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए समझना तो सबसे पहले जरूरी होगा कि हिंदू विंदू कौन होता है। बट उससे भी पहले एक कहानी सुनो, कहानी सुनना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल अच्छा, मुझे भी लगता था। एक कहानी में लेके चलता हूं आपको। हिंदुओं के अंदर 16 संस्कारों की प्रथा होती है, हिंदुओं के अंदर 16 संस्कार की क्या होती है, प्रथा होती है। उसमें से एक संस्कार होता है मैरिज। सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, है ना, और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर। हिंदुओं के अंदर 16 संस्कार का एक प्रथा होता है, एक प्रथा होती है इसके अंदर शादी, विवाह, मैरिज। मैरिज भी क्या है, एक संस्कार माना जाता है। जिसने मैरिज नहीं की है एक एंगल से वो कुसंस्कारी हो जाता है। डोंट टेक पर्सनली, इस मामले को पर्सनली मत लेना, एक जनरल बात बता रहा हूं कि भाई 16 संस्कार है तो एक संस्कार आपने फॉलो नहीं किया, इसका मतलब आप कहीं कहीं कुसंस्कारी हो, बदमाश हो आप, संस्कारों को फॉलो नहीं करते हो। जोक्स अपार्ट, अब मैरिज की अहमियत कितनी होती है उसको समझना है। हिंदू लॉ हो या कोई भी लॉ हो, उसमें मैरिज का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैरिज इज अ रीबॉर्न, मतलब एक तरीके से रीबर्थ होता है किसी भी इंसान का, हर चीज का। एक नई जिम्मेदारी भी आती है, सब कुछ होता है। लेकिन मैरिज की इंपॉर्टेंस का आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं मैं, फिर उसके बाद इसके अधिनियम को पढ़ेंगे, आप देखना कितना अहम रोल है, कितना अहम रोल है यहाँ पर। हुआ क्या, मैं आपको लेके जा रहा हूँ रामायण के अंदर। रामायण में वो एक सीन याद करो, जब राम जी रिटर्न बैक फ्रॉम लंका टू अयोध्या वापस आए थे, सीता जी और लक्ष्मण जी वगैरह सबको साथ साथ ले लेके, वहां पर एक वो धोबी वाला सीन हुआ था, याद है आपको? धोबी अपनी पत्नी की शिकायत लेके राम जी के दरबार में आया था। उसने कहा कि साहब ये मेरी पत्नी एक दिन एक रात को घर से बाहर रही है, ये क्या हो गई अपने आप में, मतलब उससे कैरेक्टर इसका लूज हो गया है, तो मैं इसका त्याग करना चाहता हूँ। तो बात आई तो किसी ने आरोप लगा दिया कि सीता जी भी तो 14 साल तक लंका में रही थी, रावण के पास में रही थी, तो वो कौन सी पवित्र है? हालांकि सीता जी ने अपना एक वो टेस्ट दे दिया था, अग्नि परीक्षा पहले भी दे चुकी थी वो, बट इट्स ओके, जो लिखा हुआ था, जो था वो होना था हुआ, और राम जी ने वहां पर सीता का कर दिया त्याग। देखो त्याग किया है, त्याग करने का मतलब इन द सेंस राम जी और सीता अब अलग अलग रहने लग गए, ये जुडिशियल सेपरेशन है। एक वर्ड इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे, जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक रूप से अलगाव, दोनों अलग अलग रह रहे हो। इट्स नॉट डाइवोर्स, ये डाइवोर्स नहीं है, तलाक नहीं है ये। जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स का अगर आपको डिफरेंस समझना है, सबसे बढ़िया तरीका राम जी और सीता जी का वो सीन याद कर लो, वो जुडिशियल सेपरेशन था, मतलब भविष्य में उनके वापिस कंबाइंड होने की गुंजाइश थी, पॉसिबिलिटी थी। डाइवोर्स होता तो कोई संभावना होती ही नहीं, तलाक अगर हो जाता फिर तो कोई संभावना होती नहीं, क्योंकि हमारे क्या लीगल टर्म आने वाला है, हम जब पढ़ेंगे हिंदू लॉ को स्टार्ट करेंगे तब ऐसे कई शब्द आएंगे, कहानियों से जोड़ो उनको, उनको जोड़ो, फिर ऐसा याद रहेगा कि भूल ही नहीं पाओगे। जुडिशियल सेपरेशन है ना, वो डाइवोर्स से पहले की स्टेज होती है। जब जुडिशियल सेपरेशन लग रहा है भाई अब तो मामले में कुछ गुंजाइश है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बनने की, तो क्या कर दिया जाता है, फिर उसमें डाइवोर्स की डिक्री दे दी जाती है। तो राम जी और सीता जी का जुडिशियल सेपरेशन चल रहा था, कहानी तो अब स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि राजा महाराजा पहले अलग अलग तरह के यज्ञ कराते थे अपने टाइम में, तो राम जी ने भी एक यज्ञ करवाया। अब यज्ञ के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठना पड़ता है, तब तो यज्ञ का अहमियत होता है, अदरवाइज वो जो हवन है, यज्ञ है, वो अपने आप में अधूरा है, वो अपने आप में क्या है, अधूरा है। तो वहां पर सीता जी तो थे नहीं, सीता जी थे नहीं, अर्धांगिनी जो वाइफ थी, लाइफ पार्टनर थी, वो तो कहीं और थी।
तो उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सीता जी की एक मतलब मूर्ति बनाएगी और उस मूर्ति को राम जी के पास में बैठाया गया। इधर राम जी बैठे, इधर वो आर्टिफिशियल सीता जी बैठे और दोनों ने फिर यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हुआ। तब जाके वो यज्ञ कहीं पूर्ण हुआ, वरना तो पूर्ण ही नहीं हो पाता। नाउ यू कैन इमेजिन, आप विजुलाइज कीजिए कि शादी की इतनी बड़ी अहमियत होती है क्या भाई। पहली बात तो अगर वाइफ नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस बड़ी जरूरी है। अच्छा, खाली वाइफ के केस में नहीं है, अगर हस्बैंड भी छोड़ के चला जाए तो भी वाइफ के लिए भी यही प्रॉब्लम है। उसके पास एक हस्बैंड मतलब हो, एक मतलब वही हस्बैंड हो, दूसरा हस्बैंड नहीं, वही हस्बैंड होना चाहिए जो क्या करे उसको वहां पर, उसके जो भी रीति रिवाज वगैरह सारे पूर्ण किए जाते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल दे लो, शादी होती, शादी में एक कन्यादान की प्रथा होती है। अगर सर्वाइव कर रहे हैं माता पिता तो दोनों माता पिता बैठते हैं, दोनों की तरफ से जो यज्ञ वज्ञ किया जाता है ना। तो इस तरह की ये चीजें, मतलब मैरिज का सैक्रामेंट इतना इंपॉर्टेंट है हिंदू लॉ के अंदर, तो उसी तरीके से हर सैक्रामेंट का अपना एक रोल होता है। अब संतान नहीं हो रही है, अडॉप्शन की प्रथा, ये कोई नई नहीं है, ये नई नहीं है, पुराने टाइम से चली आ रही है। अडॉप्शन का जो सीन है ना, गोद लेना, दत्तक लेना, ये अभी नहीं है, पहले से चला आ रहा है। कौन किसके वंश को आगे लेके जाएगा, सक्सीड कौन करेगा। डू यू रिमेंडर द डिस्प्यूट बिटवीन राम, राम के बीच में था ही नहीं डिस्प्यूट, जो भरत की माता थी केकई, और उनके बीच में डिस्प्यूट था कि नहीं अयोध्या को सक्सीड कौन करेगा, अयोध्या की प्रॉपर्टी को सक्सीड कौन करेगा, भरत करेगा, राम तो नहीं करेंगे। जबकि कायदे से नंबर किसका आ रहा था, राम का आ रहा था, लेकिन राम को वहां पर वो वनवास भेजने का सीन हुआ तो फिर कहा गया पीछे कौन संभालेगा, तो बड़ा वाला तो है नहीं, बड़ा बेटा तो है नहीं, फिर छोटे बेटे का नंबर आएगा। उत्तराधिकार, सक्सेशन, मतलब हमारे पुराने जितने भी सीन हो रखे हैं, डिवोशनल सीन, उन सब में हमारा हिंदू लॉ आएगा। और मैं प्रयास करूंगा उन्हीं चीजों से कनेक्ट करते हुए आपको हिंदू लॉ का सारा कॉन्सेप्ट बताऊं, क्योंकि वो कहीं कहीं हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं, अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, अब वापिस आ जाओ। तो ये तो मैंने बात की एक सैक्रामेंट की, एक संस्कार की, उसी की रिगार्डिंग ये चीज आ रखी है। अब बात आता है कि हिंदू लॉ का एक्चुअल में जन्म कहाँ हुआ, आखिर कहीं कहीं तो इसका कुछ चीज होगा ना भाई। अब राम जी तो त्रेता युग में थे, उन्होंने तो अपना कारोबार सारा वहीं पे चला रखा था, फिर वो द्वापर युग में कृष्ण जी आए थे, जो भी था वो भी युग खत्म हो गया, एंड वी आर इन द मोस्ट रिनाउंड, दैट इज कलयुग, हम लोग उसके अंदर है ना। अलग अलग तरह के युग में डिवाइड हो रखा है ना, वी आर इन कलयुग, हम कलयुग के अंदर है ना, जहाँ सब कुछ काला काला होता है, ब्लैक मनी भी काली होती है, एंटी करप्शन, करप्शन के चार्जेस भी काले होते हैं, और आजकल तो इंसान का दिल भी काला हो गया है, सही चीज नहीं दिखती, गलत चीज पहले दिख जाती है। इट्स ओके, होने दो भैया, होना जरूरी भी, क्रिटिक्स होने चाहिए लाइफ के अंदर। जो क्रिटिक्स होते हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। तो अब हुआ यूं कि हिंदू लॉ के जन्म को लेकर बात ऐसा आता है, जब भी आया ना तो कोई स्पेसिफिक नियम बनी है, कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है कि यहां से हिंदू लॉ डेराइव्ड हो रखा है। सटीक रूप से तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो चीजें सुनी सुनाई चली आ रही हैं उसके आधार पर, या कुछ डॉक्यूमेंट्री चीजें जो चली आ रही है उसके आधार पर क्या हो रहा है, एक हमने फिलोसॉफी जरूर डेवलप कर रखी है। फिलोसॉफी को नाम कहा जाता है सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, कि भाई हिंदू लॉ के सोर्सेज यहां पर थे। अब मेंस का एग्जाम होता है, मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ भैया हिंदू लॉ के सोर्सेज कौन कौन से। और एग्जाम नहीं भी होता है तो एटलीस्ट हमें कुछ बातों के बारे में जिंदगी पता होनी, जिंदगी कुछ बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, एक मैं आपके सामने चार्ट रख रहा हूं, ऑब्जर्व करना इसको। ये हमारा, अब वन बाय वन चलूंगा उसके आगे, मेन टॉपिक पे आऊंगा, अच्छे से समझना, ऑब्जर्व करना। हमारा इंडिया क्या है, इस तरह से कई तरह के रिलीजन्स को अपने साथ में समेटे हुए हैं, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मॉमडन हो, कुछ भी लो, है ना, सबको समेटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी धर्म के अंदर कोई कमी है, हर धर्म के अंदर अधर्मी बैठे हैं, हर धर्म के अंदर। देखो ना, तो फुल फ्लेज हिंदू धर्म खुद को कह सकता है वी आर 100% पायस पर्सन, ना तो हिंदू धर्म ऐसा कह सकता है, और ना ही मुस्लिम धर्म कह सकता है, ना क्रिश्चियन या ईसाई धर्म कह सकता है। हर एक के अंदर इस तरह के कहते हैं कि मॉर्मन लॉ में मीट वीट खाते, हिंदू धर्म में नहीं खाते, अरे सबसे बड़ा झूठ है। जितना मीट कहीं की हिंदुओं के हमारे कुछ पर्टिकुलर लोग खा रहे हैं, उतना तो शायद वो मॉमडन में के प्रजाति में नहीं होता हो। और ऐसा नहीं है कि मॉमडन बेईमानी नहीं करता, कई जगह बेईमानी होती है। मतलब
हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ अपने आप में लूपहोल होता है, बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलत व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता है। जो व्यक्ति गलत है उसको गलत कहो, चाहे वो अपने धर्म के अंदर आए या किसी और के रिलीजन के अंदर आए। ठीक है, गलत होता है तो गलत होना चाहिए। अगर आप उसका कहीं की कोई पक्ष ले रहे हो ना, तो उल्टा किसी और का नहीं, आप खुद के डिवोशन का, खुद के रिलीजन का ही क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो वहां पर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैंने आपके सामने एक इमेज रखी है, अब अगर आप इमेजिनेशन कर सको ना, तो इसमें हिंदू धर्म की सारी चीजें आ चुकी है। हिंदू लॉ जो आप पढ़ने वाले हो, सबसे पहला तरीका है अपने माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट करो कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको मैंने अलग अलग तरह की इमेज रखी है। आराम से गौर से देखो इसको, टेक्निकल टीम मुझे स्विच कर दो, आप सिर्फ स्क्रीन दिखनी चाहिए कैंडिडेट को, और इसमें आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसमें से अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको हिंदू से रिलेटेड कई चीजें दिख जाएगी, हिंदुओं से रिलेटेड कई बातें, हिंदू धर्म से रिलेटेड, हिंदू लॉ से रिलेटेड कई बातें आपके सामने आई है, अगर आप ऑब्जर्व कर सके तो। एक मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 6 इमेजेस है यहां पर, पूरी इमेजेस को ऑब्जर्व करो। ये हिंदू लॉ को मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा भाई, ध्यान रखना है, हिंदू लॉ का मामला अलग तरीके से होगा। ऑब्जर्व करो आराम से, आपके माइंड में कुछ न कुछ आना आते रहना चाहिए। इसकी हर इमेज के अंदर एक मैसेज है, एक लॉ है ना, हर इमेज के अंदर। सबसे पहले जो फर्स्ट इमेज थी, जहां पर लड़का और लड़की की शादी होती है, उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक डिवोशनल एंटिटी है, यहाँ पर मतलब ये इस तरीके से जो अपन वो आग अग्नि देवता के सामने जो भी फेरे वेरे लेते हैं, वो सिद्धांत है ना। इसको शब्दाब्द सिद्धि बोलते हैं, मतलब साथ ऐसा हो जरूरी नहीं, हर एक का अलग अलग रिवाज होता है। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट की बात करूं, तो एक होता है श्रीमाली समाज होता है, इसमें क्या होता है कि दुल्हन को उठा के साथ फेरे लेने पड़ते हैं। मतलब अब आपको दुल्हन सर्च करनी है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है वेट उठाने की, क्योंकि वहां पर दुल्हन आपके हाथ से गिर गई तो भारी इंसल्ट हो जाती है। एग्जैक्टली, कुछ ट्रेडिशन तो इतने इंटरेस्टिंग है, मतलब उस पूरी शादी के अंदर वो पार्ट देखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब एंटरटेनिंग होता है, हर एक का अलग अलग सीन होता है ना। तो वहां पर उसी तरीके से कहीं और तरह के रिवाज होते हैं। अब बेसिकली प्रैक्टिकली ये है कि कहीं हमारे हिंदू धर्म में फेरे तो 4 ही होते हैं, ये 7 भली कह रहे हो, 7 तो हमने क्या मूवीज में देख रखे, बाकी फेरे तो एक्चुअल में 4 ही होते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं, तो मैंने खुद ने 3 फेरे तो लिए ही नहीं, 4 फेरे ही लिए, चौथा मतलब चौथे के बाद पंडित से पूछा, भाई 5वें का क्या है, 5वें का क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है, हमारे लॉ में तो ये लिखा, LLB की हुई थी, तो मैंने कहा यार तो 7वें के बिना तो मामला वैलिड नहीं होगा। तो पंडित से पूछा, पंडित कह रहा नहीं बेटा 4 ही है, खुश रहे। अब खुश रहने के बाद वो, मैंने कहा ठीक है भाई, अपने को क्या करना है, काम तो हो गया, बट बात यह है कि कहीं 4 होते हैं वहां से काम हो जाता है, कहीं पर अलग अलग प्रथाएं होती है, दुल्हन को उठा के फेरे लेना वगैरह, और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना। तो ये खैर जो भी है, कुल मिला के वैलिड मैरिज यहां पर इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ओके, दूसरा एक बात मैं आपको और बता दूं, ये वो मंदिर में जाके मांग में सिंदूर भर दिया, अरे वो शादीवादी नहीं है, वो शादीवादी नहीं है, ध्यान रखना, वो सबसे बड़ा क्या कर रहा है, खाली मोह माया जाल कर रहा है, शादी होती नहीं कभी। शादी तो प्रॉपर तरीके से या तो रजिस्ट्रार के पास जाओ 2 या 3 विटनेस के साथ में, या तो वो कागजी शादी करवाएगा, या फिर बढ़िया आयोजन करो, भोजन वोजन की व्यवस्था करो, बुलाओ ब्राह्मणों ब्राह्मणों को और जिमाओ सब लोगों को, रिलेटिव रिलेटिव को, मतलब एक आयोजन करो, एक फंक्शन सेरेमनी करो। और वो भी नहीं होता तो सादे तरीके से कर लो, जैसे आजकल कोरोना में हो रही है, सादे तरीके से कर लो जैसे कि कोरोना के अंदर होती है। अब यहां पर बात यह है कि मैरिज होना हमारा पहला एक, यानी कि आपके पास हिंदू लॉ का एक जो अधिनियम आएगा वो आएगा हिंदू मैरिज एक्ट से रिगार्डिंग। हिंदू मैरिज एक्ट के बाद में सेकेंड जो इमेज रखी यहां पर वो रखी कहीं ना कहीं डाइवोर्स की, जहां मैरिज है वहां डाइवोर्स होने की भी संभावना रहती है। ओके, मतलब
कई बार क्या होता है, दो अपने आप में जो सिमिलर प्राणी प्राणी नहीं है उनको जबरदस्ती आप अगर रिश्ते में बांध दोगे ना, वो टिक नहीं पाएंगे और मामला क्या हो जाता है, अपने आप में अलगाव, डिवोर्स वगैरह इस तरह के डिस्प्यूट अराइज होते हैं। हालांकि 80% मामले उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी होते हैं। इस बात को भी अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस बात को भी हम क्या नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो डाइवोर्स के मैटर होते हैं, बेचारे जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य कहीं के बीच में अटक जाता है, क्योंकि बच्चे को तो माँ भी चाहिए होता है, पिता भी चाहिए होता है, उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। बट इट्स ओके, होता है डाइवोर्स। डाइवोर्स होगा तो फिर बच्चों की कस्टडी क्या होगी, फिर वापस इश्यू आ जाएगा मेंटेनेंस का, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हिंदू महिला जो है वो थोड़ी सी अभी तक इंडिपेंडेंट के स्टेटस में आई नहीं है। मैं डिग्निटी हर्ट नहीं करना चाह रहा यहाँ पर किसी का, इनफैक्ट बहुत सम्मान करता हूँ मैं सभी का, इनफैक्ट विमेंस का भी स्पेशली, लेकिन फैक्ट ये है कि वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं है। अगर हम सड़क पे जाते कोई महिला कार ड्राइव कर रही है तो सबसे पहले हमारे माइंड में घिनौना थॉट आता है कि यार ये इनके कार इनसे दूरी बढ़ा करो, कब ठोक देगी, कार चलानी आती नहीं है। अरे आपने अपने जीवन में अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की होती, ये तो क्या है कि हम महिला को हाईवे पर कार लेके भेज नहीं सकते। मान लो अगर आपको इंटरसिटी करवाना है, क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां पर अपराध होने की संभावना है। अपराध होने की संभावना के चक्कर में वो अपने जीवन के अंदर सीख नहीं पाती है, सीख नहीं पाती तो परफेक्ट नहीं बन पाती है, और आप उसके परफेक्शन का मजाक उड़ाते हो। उसके लिए वो नहीं, अपनी सोसाइटी जिम्मेदार है। उसको नाइट के अंदर वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, क्यों, अपराध होने की संभावना रहती है, कोई इसको रोक के मतलब किसी भी तरह की घटना घटित हो सकती है। सोसाइटी जिम्मेदार है, विमेंस कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकती है, वो अपने आप में बहुत कॉम्पिटेंट है, और कुछ मामलों में तो इंसान के दिमाग से भी आगे जाती है। ये जुडिशरी का देख लो, आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो कोई मतलब आपको पुरुष रिजर्वेशन मांगना पड़ जाए कहीं जुडिशरी के अंदर। जितने भी मेल कैंडिडेट है, वार्निंग दे रहा हूं, मान लो, समझ जाओ इस चीज को। अब जुडिशरी में महिला कैंडिडेट बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए अपने स्टेटस को भी स्ट्रॉन्ग बनाना, वापस रिदम बनाना कंटिन्यू कर लो, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग भटकते हुए प्राणी ज्यादा होते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट जल्दी हो जाता है, ठीक है। मतलब लगता है कि हाँ यार प्रैक्टिस में इतना पैसा मिल रहा है, चलो यार थोड़ी माथा फोड़ी करते हैं, वहां पर दो पैसे कमाते हैं, या किसी और चीज को लेके यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, चलो वो काम करता हूँ, मामला गड़बड़ हो जाता है वहां पर। चलो अब वापस आ जाओ इस चीज के अंदर। कहने का मतलब यह है, डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स होने के बाद सीधी सी बात है मेंटेनेंस का केस भी रहेगा। डाइवोर्स की प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं भी हुई है तो भी इंटरिम मेंटेनेंस का, मध्यवर्ती भरण पोषण का भी अपने आप में क्या होता है, एक अधिकार महिला को प्राप्त है। देन आफ्टर एक कानून आता है अडॉप्शन का, अडॉप्शन बच्चे को अडॉप्ट करने की रिगार्डिंग। हालांकि हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 वाला किशोर न्याय का जो अधिनियम है उसके अंदर प्रावधान कर रखा है अडॉप्शन के रिलेटेड, एक स्पेशल प्रावधान कर रखा है, बट वो क्या है, वो सभी के लिए लागू होता है, कोई भी सिटीजन कर सकता है उसके अंदर, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो वो जहां पे अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात की जा रही है, हिंदू अडॉप्शन की बात की जाएगी। एक ये जो चीज जो रिसेंटली आ रखी है, अभी क्या है, पहले तो मतलब बेसिकली हर चीज के लिए मेल को ज्यादा प्रिफर किया जाता था, प्रॉपर्टी को सक्सीड करना है तो भी मेल है, लेकिन अब इस सक्सेशन पर जाने से पहले, ये क्या है सक्सेशन, उत्तराधिकार, इस पर जाने से पहले आपको ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना पड़ेगा इक्वलिटी का। अब है ना, अब बच्चियों को भी बेटियों को भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे को है। हैव यू एवर थिंक, कभी सोचा है आप लोगों ने कि बेसिकली माइंड के अंदर ये चीज आती क्यों है कि यार बेटा होता तो ठीक रहता, बेटी के केस में तो मतलब अपने आप में एक बर्डन साई चीज लग रहा है। ये साइकोलॉजी है, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट वी मस्ट एडमिट द रियलिटी, जो रियलिटी है उस चीज को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आता क्यों है, कभी सोचो इसके बारे में। इसके आने के बीच में एक नहीं दो मुख्य कारण है। पहला सबसे मुख्य जो कारण है वो है ओल्ड एज सिक्योरिटी। ओल्ड एज सिक्योरिटी, जब पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या है कि बेटा उनके पास में रहता है तो बेटे को तो कह सकते हैं, बेटी को चूंकि वो ससुराल में शादीवादी करके भेज देते हैं इसलिए बेटी को कह नहीं सकते, इसलिए उनकी डिजायर पहले से होती है कि बुढ़ापे में कौन हेल्प करेगा अगर बेटा नहीं होगा तो। पहला पॉइंट ओल्ड एज सिक्योरिटी। सुनना, देखो हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अरे बेसिक रूट प्रॉब्लम पे तो चले जाओ, रूट प्रॉब्लम को अगर ढूंढ लिया ना
तो उसके केस में आगे सॉल्यूशन तो अपने आप आ जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अरे बेटी बचाओ बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या को रोको, सब कुछ करो, ये करो वो करो, बेटा बेटी एक जैसे होते हैं, बेटा बेटी एक जैसे होते हैं, सारी बातें सही है। पहले जो एक जैसे नहीं हो रहे हैं उसके कारण को तो उठा के बाहर फेंक दो। सबसे बड़ा कारण रहता है ओल्ड एज सिक्योरिटी, मतलब बुढ़ापे के अंदर भाई उसको हेल्प कौन करेगा, असिस्ट कौन करेगा उसको। एक चीज का टैगलाइन आ जाता है, लड़की पराया धन होती है, लड़की पराया धन होती है। अभी कल इन्हें एक न्यूज़ पढ़ी कि एक महिला है जो अपनी बेटी के लिए 21 किलो चांदी इकट्ठी करके रखी थी उसने आज तक उसकी शादी के लिए। अरे 21 किलो चांदी की जगह बेटी को पढ़ा ही लेती, वो चांदी की जगह 21 किलो सोने जैसी बन जाती वो अपने आप में। उसके विवाह के लिए बचपन से वो पैसा इकट्ठा करिए, उसकी एजुकेशन उसको प्रॉपर नहीं दे पाई, अब वो 21 किलो चांदी एक चोर लूट के लेके चला गया, उसके घर में चोरी हुई और वो लेके चला गया 21 किलो चांदी। सोच अपने आप में गड़बड़ है। तो पहला कारण तो हो गया ओल्ड एज के अंदर असिस्टेंट। और दूसरा, अच्छा ये बात सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने हिंदू या पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी के अंदर हो, सब जगह है ये। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू के अंदर है, वो ये है कि वंश की परंपरा को बेटा निभा सकता है। वंश की परंपरा को, वंश के नाम को बेटा निभा सकता है। कि मतलब सपोज करो मेरा सरनेम है पालीवाल, अगर मेरी बेटी मान लो कहीं पे किसी ने शादी कर लेती है तो मेरा सरनेम, उसका तो सरनेम बदल जाएगा, उसका तो सरनेम बदल जाएगा। अब मेरा जो ये वंश है वो तो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं वंश की परंपरा, हेरिडिटी को आगे क्या करना, कैरी ऑन करना। ठीक है, तो ये चीज कहते हैं कि बेटा ही कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती। इसका भी इलाज ढूंढो भाई, इसका इलाज ढूंढो। क्यों बेटी को सरनेम चेंज करना पड़ेगा? सरनेम चेंज नहीं करना पड़ेगा तो क्या पता ये दिक्कत आ जाए। और या फिर सरनेम की कल्चर ही अगर खत्म हो जाएगी, सोचना जरा, अगर सरनेम की कल्चर ही खत्म हो जाएगी तो ये वंश परंपरा की जो कल्चर है ना, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और हो सकता है इसके कारण जो जातिवाद का जो बड़ा नींव है वो भी खत्म हो जाएगा। अरे कोडिफिकेशन दे दो आप, मतलब जैसे मेरा नाम तनसुख पालीवाल तो तनसुख वन, इस तरह से कोडिफिकेशन दे दो, बहुत ज्यादा बेटर है। क्योंकि जहां पर ये जाति आती है, वंश परंपरा आती है, वंश परंपरा आती है तो कहा जाता है बेटे को। और दूसरा इसका सॉल्यूशन एक और है, दूसरा इसका सॉल्यूशन एक और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी एक डॉटर है, एक डॉटर है, जिस शहर में रह रहे हो उसी शहर के अंदर जैसे उसकी शादी होनी चाहिए प्रॉपर, अगर आपको वर अगर जो भी मिल जाता है, दूल्हा या ब्राइड ग्रूम जो मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग, और नहीं भी होना तो एटलीस्ट आप एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो हस्बैंड वाइफ के बीच में कि भाई जिम्मेदारी जो होगी वो दोनों के पेरेंट्स को हेल्प करने की होगी। सिर्फ लड़के के पेरेंट्स को ओल्ड एज में असिस्ट करने की नहीं, लड़की के पेरेंट्स को भी असिस्ट करने की होगी। अगर ऐसा हो, सोचना, अगर ऐसा हो कि मतलब लड़की के पेरेंट्स भी सिक्योर्ड हो जाए, कि उनको बुढ़ापे के अंदर भी सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि वो जो दामाद पर भी उनका उतना ही हक है जितना उनका बेटी पर हक है। जैसे लड़के के फादर मदर जिस तरीके से अधिकार जताते हैं अपने बहू पर, बहू खाना लगा दिया कि नहीं लगा दिया, ये हो गया कि नहीं हो गया, सारा काम जो भी होता है, बल्कि राइटफुली कहते हैं ये तो मेरी वीणनी है, मेरा कहना नहीं मानेगी तो कहाँ जाएगी, ये हमारा ट्रेडिशन है। तो ये की ये चीज क्यों ना दामाद जी पर भी अप्लाई हो जाए, दामाद को भी बेटा बना के मतलब भाई सारे कामकाज करने पड़ेंगे। अगर वो चीज हो जाए तो आप सोचो अंदाजा लगाओ, जो माता पिता होंगे उनके मन में एक डर खत्म हो जाएगा कि हमारा बुढ़ापे में कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा उनको, या तो उनको घर शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, एक साथ रहने लग जाएंगे। क्यों ना एक घर के अंदर एक कमरे की जगह दो कमरे बनाया जाए, एक कमरा लड़की के माँ बाप का और एक कमरा लड़के के माँ बाप का, दैट्स ऑल, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बट ऐसा हम करेंगे नहीं क्योंकि हम बड़े क्या है, हम बड़े कट्टर धर्मपंथी हैं, हम अपने पुराने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। साइनस पहले एक वो फिल्मी डायलॉग था, बेटी के घर का पानी नहीं पी सकते, अरे पुराने जमाने की बातें हो गई है, समय के साथ बदलाव जरूरी है। खैर, तो ये जहां पर चीजें हैं वहां पर समस्याएं भी हैं, और जहां समस्या होती वहां पर लॉ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लॉ क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अच्छा एक और कारण भी है, डॉवरी भी सबसे बड़ा जिम्मेदार है, मैं आपको बता देता हूं बेटा बेटी के अंदर पार्शियलिटी का। क्यों? क्योंकि डॉवरी देने के चक्कर में बेटी को माना जाता है बर्डन। डॉवरी देने के केस में बेटी को क्या माना जाता है, बर्डन। और वैसे आपको एक चीज बता दूं मैं, ये डॉवरी की परंपरा जो है ना, ये लड़की खुद खत्म कर सकती है वरना कोई नहीं कर सकता।
अगर लड़की अपने चॉइस का बंदे को ढूंढती है और उसके सामने पहली कंडीशन लगे, देख भाई सिर्फ मैं मिलूंगी, पैसे वैसे की उम्मीद लगाना मत, क्लियर कट। अगर लड़का लड़की अपन दोनों एक दूसरे का विजन क्लियर कर लेना, अरे तो बूढ़े माँ बाप कहाँ पैसे मांगने और देने वाले हैं, लड़की को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक वो फॉरवर्ड आके, वो आगे आके लीड नहीं करेगी शादी के रिश्ते को, तब तक तो ये दहेज चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। भले कितना ही रोकने का प्रयास कर लो, कुछ नहीं होने वाला है इस चीज के अंदर। तो हिंदू धर्म भी इस चीज का शिकार है। हालांकि हमने एक डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बना रखा है, वो सबके ऊपर अप्लाई होता है, तो यहां पर वो भी चीज हो सकती है, लेकिन चल रहा है, चल रहा है, मुसलमानों में भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों में थोड़ा सा मामला कम है, टू बी वेरी फ्रैंक टू स्टेट, बट मुसलमानों के अंदर कहीं की महिलाओं की पोजीशन थोड़ी सी डाउन ज्यादा है, डाउन ज्यादा है। अभी भी आप मतलब अगर आप चार शादी अगर, तो महिला चार शादी नहीं कर सकती, पुरुष चार शादी कर सकता है, सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द लेडी, और कंसेंट नहीं होती तो जबरदस्ती ले ली जाती है। तो महिलाओं के अंदर मतलब मुसलमानों के अंदर थोड़ा सा महिलाओं का पोजीशन अभी भी डाउन है, लेकिन समय के साथ वो भी चेंज होगा, क्योंकि एजुकेशन सबको चेंज कर रही है। तो यहां पर ये अलग अलग तरह के हमारे सामने आएंगे लॉ, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये आपके डाइवोर्स का ग्राउंड आएगा, चाहे आपके मेंटेनेंस का लॉ हो, चाहे आपके अडॉप्शन का लॉ हो, या फिर सक्सेशन का लॉ, अलग अलग तरह के लॉ बने हुए हैं। अच्छा, जो लॉ कोडिफाइड हुए हैं वो 1955 से पहले बिल्कुल स्कैटर्ड थे, जैसे आज के टाइम में मुस्लिम लॉ स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ पड़ा है, सारा मामला अपने आप में क्या है, बिखरा हुआ पड़ा है। अभी 1955 में इंपॉर्टेंट अगर ये कोडिफिकेशन नहीं होता तो आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचना भी दूर की बात होती। अभी एटलीस्ट सोच रहे हैं ना, वो भी दूर की बात होती। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके अंदर, अब और चीजें, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं मैं। और अब हमें समझना है हिंदू लॉ के बेसिकली सोर्स कहां से आया है हिंदू लॉ। अब हमारा टॉपिक धीरे धीरे मेन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखिए, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, एंशियंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स, मतलब जो सोर्स पहले चले आ रहे थे उनके बारे में, और जो सोर्स अभी डेवलप हुए रिसेंटली, यानी कि ये पहले वाले सोर्स है, पुराने सोर्स है, आई कैन से दैट, ये क्या है, पुराने जो सोर्स है वो है, और ये हमारे नवीन सोर्स है, नवीन स्रोत जहां से हमारा लॉ बन रहा है। पुराने वालों के अंदर क्या होता था, श्रुति, श्रुति अशन नहीं है ना, उसके ऊपर मत जाना, वो अलग है, वो मॉडर्न एक्ट्रेस है, यहां बात कर रहा हूं पुरानी। श्रुति एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है सुनना, श्रवण करना। श्रुति का शब्द क्या है, सुनना, श्रवण करना। ठीक है, तो कुछ बातें जो डायरेक्टली उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान से सुनी, ऐसा कहना है, भगवान से सुनी, उनको नोट डाउन कर लिया गया, दैट्स कॉल्ड श्रुति। श्रुति को आप दूसरे शब्दों में वेद के इक्विवेलेंट मान सकते हो। जो वेद होते हैं ना, वेद बेसिकली कहा जाता है कि भगवान ने डिक्टेट किया और एज इट इज उनको लिख दिया गया, भगवान ने डिक्टेट किया और एज इट इज उनको लिख दिया गया, दैट्स कॉल्ड वेद। श्रुति, जैसा सुना एज इट इज वहां पर लिख दिया गया। उसके बाद ये पहली स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है श्रुति। उसके बाद सेकंड स्टेज आई हमारी स्मृति। ये स्मृति जो है ना, ये मेमोरी है। स्मृति का इंग्लिश में शब्द क्या है, मेमोरी, याद है ना, हिंदी की कुछ शब्दावली याद है, भूल गए हो, स्मृति, स्मरण करना, स्मरण करना, याद करना। तो यहां पर ही वही शब्द है, स्मृति का मतलब मेमोरी, मतलब पहले आपने किन्हीं दूसरों से सुना, अपनी मेमोरी के अंदर जितना याद था, जितना याद था उतना आपने लिख दिया, दैट्स कॉल्ड स्मृति। अपनी याददाश्त के अनुसार जो आपको पता था वो आपने लिख दिया, दूसरा हमारा सोर्स बन गया स्मृति। पहला क्या था, श्रुति, जो एक्चुअल में एज इट इज सुना था। आप ये कह सकते हो ये डायरेक्ट एविडेंस है, ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, पता है ना, ऑल एविडेंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट था और ये अपने आप में कैसा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया, ये था श्रुति सुनना, ये था स्मृति यानी कि मेमोरी। तो ये भी इसको है ना, ये शब्द में कंफ्यूजन मत रखना, इसके शब्द को थोड़ा सा सोच के देखना, इसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एंशियंट जो श्रुति क्या होता है, मनु हैज डिफाइंड द श्रुति एज फॉलो, अलग अलग ऑथर ने अपने तरीके से डिफाइन किया। मनु ने क्या कहा है, बाय श्रुति और व्हाट वाज हर्ड फ्रॉम द गॉड, जो भगवान से सुना है, इज मीन द वेदा, उनका मतलब होता है वेदा। श्रुति और वेदा आर बिलीव टू कंटेन द वेरी वर्ड्स ऑफ डाइटी,
भगवान के ही शब्द है वो, देवर सपोज टू बी द डिवाइन अट्रेंस। डिवाइन का मतलब भगवान ने जैसा उच्चारण किया एज इट इज वो शब्द आ गए, दैट्स कॉल्ड श्रुति। इन द फोर वेदा, जो चार हमारे वेद हैं एंड सिक्स वेदांगा, चार वेद हैं, छह वेदांग हैं और 18 उपनिषद है। जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं। चार तो हमारे वेद हैं, सिक्स हमारे वेदांग हैं और 18 हमारे उपनिषद हैं। अब ये मत पूछना कि सर उपनिषद के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता और छाना भी नहीं है उसके अंदर। ये सिर्फ क्या है, ये मेंस के एंगल से आपको याद रखने का एंगल उनके अंदर होगा। देखो वेद पढ़ना हरे के बस की बात नहीं है भाई। वेद है, कुरान है, भगवद गीता है, बाइबल है, ये अपने आप में बहुत ही हॉलिस्टिक बुक होती है। हर इंसान की पढ़ने की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और जो इसको लेकर लड़ता है ना उसने शायद उसको पढ़ा भी नहीं है। जो कई बार कहता है कि मतलब कुरान के अकॉर्डिंग ये जैसा सही नहीं है या गीता के अकॉर्डिंग सही नहीं है, फैक्ट एक उसने उसको पढ़ा नहीं, उसने सिर्फ उसको सुना है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना है जो आधा अधूरा है। खैर, तो छह वेद और चार वेद है हमारे, छह तरह के वेदांग है और 18 हमारे पास क्या है, उपनिषद है। इनको क्या गया है, श्रुति, मतलब भगवान की डायरेक्ट जो वाणी थी। तो अब आपके देखो प्री में सवाल पूछा जा सकता है, द एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इन विच द अट्रेंस ऑफ डिवाइन या अट्रेंस ऑफ गॉड, भगवान की उच्चारण होता है वो कौन सा है, क्या लिखोगे, श्रुति। पहला पॉइंट श्रुति। दूसरा आता है स्मृति। स्मृति क्या है, दे आर द अट्रेंस, अट्रेंस का मतलब होता है उच्चारण बोलना, एंड प्रिसिप्ट ऑफ द ऑलमाइटी विच हैव बीन हर्ड एंड रिमेंबर्ड एंड हैंडेड डाउन बाय द ऋषि। ये प्रिसिप्ट शब्द आपके सीपीसी में आया था अगर आपको याद हो तो। प्रिसिप्ट शब्द एक सिंधी आपके सीपीसी में सेक्शन 46 में आया था, आज्ञा पत्र। उसमें क्या था, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को भेजता है, एक कोर्ट क्या करता है दूसरे कोर्ट को भेजता है प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। अब उसी चीज को थोड़ा यहां से समझना, यहां पर भी क्या होगा, अट्रेंस एंड प्रिसिप्ट मतलब भगवान ने किसी और को भेजा, मतलब भगवान का कोई अवतार आया था जमीन पर, इस हमारी इस भूमि के धरती पर, और उसने कुछ बातें कही, उसने कुछ बातें कही कि भगवान ने उसको ये कहा, डायरेक्टली उसको भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने मीडिएटर बना दिया वहां पर, प्रिसिप्ट भेजा है। जैसे हम एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को अटैचमेंट करने के लिए भेजता है ना, वैसे एक वैसे उसको किसी और ने वहां पर भेजा है। प्रिसिप्ट ऑफ द ऑलमाइटी विच हैव बीन हर्ड एंड रिमेंबर, जिसको सुना गया है और याद रखा गया है, एंड हैंडेड डाउन बाय द ऋषि, और जो हमारे ऋषि थे उन्होंने क्या कर दिया, उसको नोट डाउन कर दिया, और उसको क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया स्मृति के आधार पर, दैट्स कॉल्ड स्मृति। उसको क्या कहा जाएगा, स्मृति। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सोर्स पर। अब तीसरे सोर्स को समझना, श्रुति स्मृति। देखो ऐसे प्री के सवाल गलत कर दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, प्री के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तीसरा है हमारा कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। अब कमेंट्री शब्द तो बड़ा कॉमन है हम लॉ वालों के लिए, क्योंकि हम जो भी बेरेक्ट पढ़ते हैं उसकी कमेंट्री होती है अपने आप में, डाइजेस्ट भी होता है। अब ये जो चीज है ना, ये स्मृति पर डराइव्ड है। कमेंट्री बेसिकली इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मृति। ये जो स्मृति था, जैसे हम कोई भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है कोर्ट, उसी तरीके से इस स्मृति का इंटरप्रिटेशन किया गया इसके अंदर, कमेंट्री और डाइजेस्टी के अंदर। और इनमें से दो कमेंट्री बड़ी फेमस हुई थी, सुनना अच्छे से, बहुत काम की बात बताने वाला हूं। इसमें से दो कमेंट्री बड़ी फेमस हुई थी और उन्हीं दो कमेंट्री को हमारे लॉ के अंदर दो फेमस स्कूल के नाम से जाना जाता है, और उसका नाम है मिताक्षरा और दयाबागा। दो कमेंट्री बड़ी फेमस हुई थी। तो याद रखना, जो एंशिएंट सोर्स है ना, जो हमारा ये पुराना वाला सोर्स है कमेंट्री, इसके अंदर ही दो कमेंट्री फेमस हुई थी। एक का नाम है यहाँ पर आपका रहेगा मिताक्षरा, और दूसरे का नाम है दयाबाग। जैसे मुस्लिम लॉ में सिया और सुन्नी दो अलग अलग तरह की धर्म पंथ निकल गए थे, अलग अलग विचारधाराएं निकल गई, तो ये भी क्या है, दो विचारधाराएं बनी थी, एक मिताक्षरा और दूसरी थी दयाबाग। तो यहां पर आके जब आप तीसरे पॉइंट में आओगे ना, तब आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा। श्रुति जो सुना, स्मृति जितना याद रह गया उतना ऋषियों ने लिख दिया, स्मृति हो गई वो, उस स्मृति का इंटरप्रिटेशन। अब ऋषि संस्कृत में लिखते थे, अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से लिखते थे, जैसे हमारी पार्लियामेंट लिखती है, पार्लियामेंट लॉ की लैंग्वेज में लिखती है अलग अलग तरीके को, फिर कोर्ट क्या करता है उसका इंटरप्रिटेशन करके कमेंट्री करता है, या अलग अलग ऑथर अपनी अपनी बुक लॉन्च करते हैं।
तो किसी एक ऑथर की बुक फेमस हो जाती है, बाकी ऑथर की पढ़ी रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं साहब, जे एन पांडे का पढ़ेंगे, उसका हमको अच्छे से समझ में आता है, उसकी कमेंट, उसका कमेंट्री फेमस होगी कॉन्स्टिट्यूशन पे, जे एन पांडे का ट्रेडिशन चल गया। आईपीसी पढ़ रहे हो, रतनलाल धीरेराज का मामला फेमस हो गया, बस वही पब्लिकेशन चलेगा। सीपीसी पढ़ रहे हो, टकवानी का या त्रिपाठी का मामला फेमस हो गया, तो बस वही चीज चलेगा। तो उसी तरीके से जो इंटरप्रिटेशन अलग अलग आए, उसमें से दो चीजें बड़ी फेमस हुई, दो विचारधाराएं बड़ी फेमस हुई और वो आगे आगे चलने लग गई। एक थी मिताक्षरा और दूसरी दयाभागा। तो आज के बाद आपके मस्तिष्क में जब भी आएगी ये दोनों क्या है, तो ध्यान रखना जो हिंदू लॉ का एंसिड सोर्स है कमेंट्री, उसके तहत उत्पन्न दो विचारधाराएं हैं, उसके तहत जो दो अलग अलग एलिमेंट बने थे वो बन गए थे, एक था मिताक्षरा दूसरा दयाभागा। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर समझना, इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि इन्होंने कुछ चीजों को अपने हिसाब से अलग अलग रखा है, इन दोनों ने अपने हिसाब से अलग अलग रखा है। देखो समझना, मैं आपके सामने डिफरेंस की एक टेबल रख रहा हूं, ये भी आपके एग्जाम के अंदर मेंस का सवाल है। दयाबाग स्कूल जो है, दयाबाग एग्जाम्पल रख रहा हूं, डिफरेंस तो और भी कई होंगे, और यहां पर कौन सी है, मिताक्षरा, ये जो दो स्कूल है उसमें क्या क्या है। देखो सपोज करो, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर, फादर इज द सोल ओनर, मतलब जो पिता है वो एकमात्र स्वामी है, एंड द एक्सक्लूसिव पजेजर ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब जॉइंट फैमिली जो प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट मतलब जो आपके एंसेस्टर्स से आपको मिलती आ रही पूर्वजों की जो संपत्ति होती है, उसके बारे में क्या कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है भाई पिता का हक भी है और बेटा जन्म ले ले तो बेटे का हक भी है। लेकिन ध्यान रखना, बेटे को जन्म लेते हक मिलता है मिताक्षरा के अंदर, दयाबाग में नहीं मिलता है, दयाबाग में नहीं मिलता। दयाबाग में तो जब तक पिता जिंदा है जो प्रॉपर्टी है उसका एकमात्र अधिकार किसके पास है, उस पिता के पास है, उस व्यक्ति के पास है, मतलब उसके बेटे बेटे को नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर ये कहता है कौन, दयाबाग। वहीं पर मिताक्षरा क्या कहता है, लॉ प्रॉपर्टी वेस्ट इन द HUF। लॉ प्रॉपर्टी जो होती है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर होती है, HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ये कोई मामला सक्सेशन वगैरह का फाइल होता है ना कोर्ट के अंदर, तो उसमें वकील बकायदा लिखता है कि वी आर कवर्ड बाय मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, वी आर कवर्ड बाय दयाबाग स्कूल ऑफ लॉ, ये वो बकायदा वो लिखता है। कभी कोई आपका फैमिली कोर्ट के अंदर इस तरह का कोई मामला कभी हुआ हो, फैमिली कोर्ट नहीं, आई मीन टू से किसी तरह का सूट जो फाइल हो उत्तराधिकार का, फैमिली कोर्ट में तो क्या है मैरिज और डिवोर्स के मामले जाते हैं जी, है ना, वो अलग उन्होंने मामला बना रखा है, पारिवारिक न्यायालय कुटुंब न्यायालय जो भी इसको कहते हैं। तो लॉ प्रॉपर्टी वेस्ट इन द HUF इटसेल्फ एंड नॉट इन एनी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ फैमिली, और वो किसी इंडिविजुअल मेंबर के अंदर नहीं होती है, इसलिए उस प्रॉपर्टी का डिवीजन पॉसिबल है, पार्टीशन, संपत्ति का विभाजन होता है। तो संपत्ति का विभाजन आप सपोज करो दयाबाग स्कूल ने करवा दिया, कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोर्ट करेगा भैया आप तो दयाबाग से बिलोंग करते हो, दयाबाग की विचारधारा ये है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो सिर्फ और सिर्फ वहां का पिता है, इसलिए पार्टीशन नहीं हो सकता, उसके जीवन काल में नहीं हो सकता, और उसकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद करवा देना। लेकिन मिताक्षरा में नियम अलग है, मिताक्षरा के अंदर ये चीज करवा सकते हो आप। एक और डिफरेंस लीजिए, नो मेंबर कैन इन्फोर्स द पार्टीशन। देखो आ गया ना, जब एक्सक्लूसिव पजेशन है, एक्सक्लूसिवली अगर एकमात्र वही अधिकारी है तो काहे का पार्टीशन, तब तो पार्टीशन करवा ही नहीं पाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर वहां पर HUF के अंदर है तो पार्टीशन हो सकता है, एग्जाम का सवाल बन सकता है, क्या बन सकता है वहां पर कि बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ लॉ या इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू कम्युनिटी देयर पार्ट सूट ऑफ पार्टीशन कैन बी फाइल्ड। नीचे ऑप्शन होंगे मिताक्षरा, दयाबागा, बोथ, नन ऑफ द बोथ। क्या आंसर होगा उसका, मिताक्षरा। लॉजिक क्या है, क्योंकि मिताक्षरा कहता है भैया जो भी है वो HUF का है, किसी इंडिविजुअल का नहीं हो सकता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो पार्टीशन कहाँ होता है, पार्टीशन ज्वाइंट फैमिली के अंदर होता है, पार्टीशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता दयाबागा वाले स्कूल के अंदर। अब ये जो है ना, इसका ट्रेंड ज्यादा चला नहीं, ये मामला लोगों को पसंद नहीं आया, क्यों, क्योंकि भाई अब बेटा है, जैसे मान लो जिसका एक्सक्लूसिव ओनर वो तो बड़ा खुश है कि जो कुछ है मेरा है, किसी को नहीं दूंगा, वो तो खुश था, बट जैसे ही उसके संतान हुई, बेटे हुए, चाइल्ड हुए, चिल्ड्रन हुए, उन्होंने कहा नहीं सॉरी पापा ये ठीक नहीं है, मतलब सारा का सारा खुद खा के बैठे हो, हम भी आ गए हैं दुनिया के अंदर, कुछ हमें भी दो, आपने खुद ने तो कमाया नहीं, ये तो दादाजी का है, दादाजी का है तो मैं उनका वंशज हूँ, मेरा भी अधिकार बनता है, उसने उसको एग्री किया नहीं। तो ऐसे ऐसे करके उनके बीच में डिसएग्रीमेंट बढ़ता गया, डिसएग्रीमेंट बढ़ता गया, तो ये जो दयाबागा है ना वो इतनी पॉपुलर नहीं रही,
ये अपने आप में लेस पॉपुलर हो गई। भाई शुरुआत के अंदर तो विचारधारा पॉपुलर हुई, लेकिन धीरे धीरे जो संतानें थी उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया, वो कि भाई गलत बात है ये तो। अब किसी हरेक बेटे की पिता से बनती नहीं है, हरेक बेटे की पिता से बनती नहीं। वो कह रहा है कि ये बात क्या हो, ये तो तानाशाही चला रहे, ये तो पिता नहीं ये तो तानाशाह है, खुद की सारी प्रॉपर्टी लेके बैठे, मेरे को बाहर बेदखल कर दिया। जो भी था, जो भी सीन होता है, तो यहां पर ये धीरे धीरे क्या होती गई, लेस पॉपुलर होती गई। अब देखो सारा लॉजिक एक साथ जुड़ रहा है। पहला कि पिता सिर्फ एक्सक्लूसिव ऑनर है तो पार्टीशन नहीं करवा सकते, पार्टीशन नहीं करा सकते तो बेटे को हक नहीं मिल रहा था, बेटे को राइट नहीं मिल रहा था, बेटे ने कर दिया विद्रोह, विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे मामला क्या हो गया, ये कम पॉपुलर होती हुई चली गई। और इसीलिए आज के टाइम में सिर्फ दो जगह चलती है, ये आसाम के अंदर और वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल और आसाम के अलावा ये दयाबाग पूरे भारत में कहीं पर भी प्रचलित नहीं है। मतलब इन दोनों स्टेट को छोड़ दो, बाकी सब जगह पर अभी कौन चल रहा है, आपके मिताक्षरा चल रही है। दयाबागा सिर्फ आपके वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर ही है, जो आपका पश्चिम बंगाल है उसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। पश्चिम बंगाल और दूसरा कौन सा है आपका, असम, असम या आसाम जो भी आप प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के अंदर ही, इसके अलावा कहीं पर भी ये चीज नहीं है। तो ये एंशियंट स्कूल ऑफ लॉ तो है, लेकिन स्कूल बाद में बनती है, पहले एक मिताक्षरा क्या कहते हैं, एक विचारधारा आती है। अब देखो सुनना, एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एक है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो भी है, ये कैसे बना, इसके अंदर भी पहले पहले तो मतलब दो धर्म की विचारधारा बनी तभी जाके बना ना। तो स्कूल बाद में बने, पहले एक विचारधारा आई है। अभी देखो मान लो कि जैन समुदाय अपनी एक अलग स्कूल बनाता है, सपोज करो, तो उसकी विचारधारा के अनुरूप वो चीज बना रहा है वो, ठीक है। आपको ध्यान है कि हमारे संविधान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटी वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, स्कूल चला सकती है, अलाउ कर रखा है उनको। तो खैर ये अलग अलग तरह के स्कूल बने यहाँ पर, तो इस तरीके से ये बात आई। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर है, ये हिंदू और रेस्ट ऑफ द कंट्री में, और ये मोर पॉपुलर है। अब ये ना, ये जो चारों पॉइंट मैंने आपको बताया है, चारों पॉइंट का एक लिंक याद रखोगे तो याद रह जाएगा, इसको अलग अलग याद रखने का प्रयास करोगे याद नहीं रहने वाला। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, क्या दयाबागा के अंदर पिता को एक्सक्लूसिव पजेजर कहा जाता है, मिताक्षरा के अंदर HUF को माना जाता है, हिंदू अंडरटेड फैमिली को। अब उसके अनुसार से पॉइंट डेराइव पे डेराइव करते हुए चले जाना। अकेले पिता को था तो बेटे ने विरोध किया, विरोध किया तो मतलब वहां पर आप पार्टीशन का सूट फाइल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसने विरोध किया, विरोध किया तो एक कम पॉपुलर होती हुई चली गई और भारत के सिर्फ दो राज्यों तक ही सीमित रह गई। भारत के सिर्फ दयाबागा, दयाबागा में द से स्टार्ट होता है और द फॉर दो होता है, बच्चों वाली ट्रिक याद कर लो, दयाबागा सिर्फ दो राज्यों तक सीमित है, कौन कौन सी, पश्चिमी बंगाल और आसाम। अब अगर ये भी रह गया ना, कभी आपको डाउट हो ना कि यार वो कौन सा था, अपन किस में आते हैं, दयाबागा के अंदर आते हैं, मिताक्षरा के अंदर आते हैं, तो ये लॉजिक आपको जरूर याद रह जाएगा। दयाबागा द पे आ रहा है, द पे मतलब दो होता है, यानी कि दो राज्यों तक सीमित है। अब आप किस राज्य में हो वो तो आप भूलोगे नहीं ना, वो तो आपको पता ही रहेगा। तो पश्चिमी बंगाल और आसाम में नहीं आती है और ये मोर पॉपुलर, इज दैट क्लियर। अब वापिस आ जाओ एंशियंट सोर्स पे। देखो अगर पढ़ना है तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ो, मजा तब आता है, है ना, पूरी भावनाओं को एकदम अंदर डाल के पढ़ो तब आनंद आता है किसी चीज को लेके। अरे कोर्स पूरा तो आज तक करते आए हैं ना, अब कुछ थोड़ी सी कुछ चीजों को जान भी लो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा है हमारा कस्टम। कस्टम मतलब एक परंपरा बन गई जो चली आ रही है, कस्टम एक परंपरा थी। अब परंपरा है ना ऐसे शौक से उत्पन्न होती है, कई बार शौक से या जरूरत से, शौक से या क्या होती है, जरूरत से। कभी सोचा है आपने, कभी आपने सोचा है कि वो डोली, डोली में जाने वाली परंपरा कैसे स्टार्ट हुई, कभी ऑब्जर्व किया नहीं किया, मूवीज में देखा तो करते थे ना, आजकल के गानों में भी आता है कि डोली, वैसे डोली कौन करता है आज, कोई डोली उठाता नहीं, वो तो कार लेके आता है गिराएगी, ज्यादा अच्छी तो और बढ़िया कार लेके आएगा उसमें बैठा के लेके जाएगा और बात खत्म होगी। अब डोली नहीं डोला है, डोला बोले तो चार पहियों का डोली है वो। लेकिन ये कस्टम आई कहां से, मतलब क्या था, जब तक घर से जब तक घर से डोली नहीं उठेगी तो, आजकल डोली तो उठती नहीं है, एक कस्टम बन गई थी, एक परंपरा, जरूरत थी उस समय की, जरूरत थी उस समय की। क्या है कि भाई सुहागन है, गहने वहने पहन के घर से विदा होगी तो उसके केस में मतलब उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो डोली में उसको बैठा के चार पहलवान, डोली के बहाने चार पहलवान जो होते थे ना वो उसकी सुरक्षा करते थे। लॉजिक है, अलग अलग ऑथर ने अपने अपने लॉजिक दिए, बाकी कस्टम एक्चुअल में कैसे अराइज हुआ वो कोई नहीं जानता।
मैंने कहीं पढ़ा था कि डोली के पीछे लॉजिक ये था कि एक तो वो उस बॉक्स के अंदर पैक हो जाएगी, कोई उसके मतलब गहने वहने नहीं लूट सकता, और दूसरी बात है चार पहलवान रखें तो कोई नज़दीक आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अब हो सकता है ये लॉजिक सही हो कि नहीं हो, आई डोंट नो, बट ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा हुआ था। तो ये कस्टम चौथा सोर्स है। मॉडर्न सोर्स कौन कौन सा है? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बारे में आप सब जानते हो, प्रेसिडेंट मतलब कोर्ट का जजमेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या हो जाएगा? कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन है जिसको अभी तक फॉलो किया जा रहा है, वो चीज आ जाएगा। जैसे कि अभी ये बात आ गई कि नाम सरनेम यूज नहीं करना, जाति वाति नहीं लिखनी कोर्ट के अंदर, तो ये कहीं कहीं हिंदुओं को भी प्रभावित करेगा, हिंदू धर्म को भी करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो जाति लिखने का पहला रिवाज है। ओके, तो इसको भी प्रभावित करेगा। प्रेसिडेंट जो पुराने नियम है इसके बारे में आप जानते हो, पूर्व न्याय, पहले का जो कोई न्याय रखा है, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइज। इक्विटी मतलब क्या होता है? समानता वाला, समता का अधिकार की बात की जा रही है, समता है, जस्टिस की भावना है, गुड कंसाइज की भावना है, और लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कानून। लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो गया? बेसिकली कानून। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें एक्चुअली पढ़ना सिर्फ ये है लेजिस्लेशन। हमारे सिलेबस के अंदर 90% जो हिस्सा है वो किस बात का है? लेजिस्लेशन का, कि जो जो कानून बन गए उनके बारे में बात करो, जो जो कानून बन गए हैं उनके बारे में हमें चीज़ों को क्या करना है? समझना है। जैसे लेजिस्लेशन की बात करूं तो जैसे हमारे पास आ जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे हमारे पास आ जाएगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड सो ऑन। इस तरीके से मतलब क्या बन सकता है? पूरा हमारे अधिनियम बने हुए हैं। तो यहां पर लेजिस्लेशन का मेन हमारा टॉपिक रहेगा। आज का टॉपिक सिर्फ मैंने कहां तक कन्फाइन रखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एंशिएंट सोर्स और जो दो तरह की स्कूल चली उनके बारे में। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें नोट डाउन करना, और आपको लगता है कि सर ये चीज भी इसके अंदर आ सकती है तो मैंने आप सब लोगों को छूट दे रखी है। अगर आपको ऐसा कोई चीज है आपको लगता है कि वेटेज वाला है, यू कैन सेंड मी एट law@utkarsh.com, और अगर मुझे अप्रोप्रिएट लगा तो क्लास के अंदर करवा दूंगा मैं। बट वो उस बकायदा उस मटेरियल का PDF बना के भेजना जहां पर से भी आप पढ़ रहे हो। पर्टिकुलर कुछ सवाल आपको लग रहे हैं कि ये आप में से जो खासकर बिहार जुडिशरी के कैंडिडेट हैं उनको लग रहा है कि सर हिंदू के हमारे ये सवाल हिंदू लॉ और मॉर्मन लॉ के आ रखे हैं, बकायदा एक क्लिक करो, PDF बनाओ, मुझे law@utkarsh.com पे भेजो, उनमें से जो रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में जरूर समझाऊंगा यहाँ पर। बट भेजना प्रॉपर तरीके से ताकि मैं उसका प्रिंटआउट निकाल के देख सकूं, मुझे मोबाइल से पढ़ने की थोड़ी आदत कम है, है ना, फीलिंग नहीं आती है। देखो पढ़ने का तो पता नहीं कैसी बात नहीं है जब तक बुक सामने नहीं हो। अब घना ही वो एक आ गया है कि हाँ कंप्यूटर पे ई बुक्स देख लो वगैरह सब कुछ है। हालांकि मैं एक तरीके शायद डिमोट तो नहीं कर रहा हूँ मेरे उत्कर्ष ऐप को ही डिमोट कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे वहां पर जरूर मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो अब आज के पार्ट को तो थोड़ा यहीं पर रखेंगे। कल बेसिकली मैं जो क्या करने वाला हूँ, हिंदू लॉ को स्टार्ट करने वाला हूँ। और उससे पहले एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज, नई नई कहानियाँ थोड़ा है ना। देखो आज हिंदू लॉ का पार्ट यहीं तक रहेगा, ठीक है, कल वापस, कल प्रोबेबली शायद मैं संडे को भी क्लास रखूंगा, अगर संभव हुआ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। हमें क्या होता है साथ साथ ऐसे का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे ऐसे में एक टॉपिक कई बार आता है ऐसे के अंदर, कई बैठा हुआ समानता का अधिकार। अब आप लोगों को इसमें हंसी आ रही होगी इस न्यूज को देखते हुए, बट ये बहुत ही बड़ा विचित्र फैक्ट है। फेयर एंड लवली भारत का फेमस ब्रांड है ना, इसमें मैं दोनों बातें कहूंगा आपको, एक बात इसके फेवर की भी कहूंगा और एक इस पर कटाक्ष की भी करूंगा। सुनना, फेवर की बात सुन लो क्योंकि आपके ऐसे के कंटेंट्स में से एक चीज होगी, आपके ऐसे के कंटेंट्स में से एक चीज होगी। अंजू जायसवाल जी पूछे सर अलग से बुक होती है क्या हिंदू लॉ का आपको पढ़ना है? मेरा ये मानना है अंजू जी आप क्या करो, आप हिंदू लॉ के पर्टिकुलर कुछ MCQ ज़्यादा सॉल्व करो, MCQ ज़्यादा सॉल्व करो, और बेर एक्ट पे थोड़ा स्पेसिफिक अटेंशन पे करो। हिंदू लॉ कोडिफाइड है इसलिए वहाँ चल जाएगा, मुस्लिम लॉ के अंदर थोड़ा सा अप्रोच हमें अलग रखना पड़ेगा क्योंकि वो कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड समझ गए मतलब उसके सेक्शन वाइज अलग अलग लॉ बना हुआ है, इसलिए हिंदू लॉ का फिर भी सीमित रख सकते हो। और बेटर ये रहेगा प्रीवियस पेपर के एक बार सवाल देखिए, प्रीवियस पेपर के सवाल देके एनालिसिस करो कि बेरेक्ट से कितना पोर्शन आया है और बाहर से कितना पोर्शन आया। ये थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा बट इस वर्कआउट का बेनिफिट आपको मिलेगा। आज आपको ये चीज करनी है, क्या करना है, आप आराम से पुराने जो पेपर से उसको उठा के देखो, और नहीं है तो कहीं मार्केट से मंगवाओ और उनमें ऑब्जर्व करो कि बेरेक्ट में से कौन कौन सवाल, ये तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि बेरेक्ट से कौन सा सवाल आया, ये तो पता कर सकते हो बेरेक्ट से कौन से सवाल आए हैं, और जो नॉर्मल तरह की जो कमेंट्री होती है हिंदू लॉ की उसमें से कौन कौन से सवाल आए उनको जरा अलग कीजिए।
हाँ जी, इस पॉइंट पे आ जाओ। तो कंटेंट्स के बारे में ये चीज आ सकती है आपकी, क्योंकि आपका जो भी पैसेज का ऐसे का जो पोर्शन होगा, 45 साल तक इस कंपनी ने एक वर्ड यूज किया फेयर एंड लवली, है ना, और अब उसको उसने डिसाइड किया कि मैं आगे से फेयर शब्द हटा दूंगा। सिर्फ इसने ही नहीं, कई तरह की मैट्रिमोनियल साइट ने भी अब वहां पर वो ऑप्शन आता है फेयर का, कि फेयर ब्राइड चाहिए वगैरह, वो फेयर का ऑप्शन हटा दिया है वहां से। इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब अब क्या होगा, अब आप गोरे या काले वाला भेद नहीं कर सकते बेसिकली। अब वो कंपनी क्या दूसरा नाम है उसकी बात की बात है, लेकिन यहां पर देखो कलर शादी और डॉट कॉम ने भी सर्च पैटर्न बदल दिया है, बैंडेड और शादी डॉट कॉम ने अपने सर्च का पैटर्न बदल दिया है, अब इसके अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती। जॉनसन जॉनसन ग्लेशियर शादी डॉट कॉम वगैरह, तो जहाँ पर बात आपके इक्वलिटी का आएगा ना, समानता का आएगा ना, वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया जा सकता है। ये फैक्ट है, ये क्या है अपने आप में एक फैक्ट है, जिसको आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको क्या कर रहे हो, अगर अपने तरीके से आप मोड़ के एक कंटेंट्स बना सकते हो जिसको आप अपने ऐसे में यूज़ कर सको। ये तो रही बात कंटेंट की यूज करने की, कटाक्ष करने की बात क्या है, फेयर एंड लवली 45 साल से काम कर रही है ना, इससे किसी ने सबूत मांगा है क्या, किसी इसने काले लड़के को गोरा कर दिया हो, काली कोरी को लड़का का, काली लड़की को क्या कर दिया हो, गोरा कर दिया हो, ऐसा कोई सबूत मांगा कि किसी ने नहीं मांगा। और इंडिया के अंदर एक शख्स ने, एक एंटिटी ने कोरोना की दवा क्या बना दी, दवा बनाने में दावा कर रहा है, जो भी कर रहे हैं वो, है ना, हो सकता है कुछ औपचारिकताएं कम होगी, लेकिन उसके ऊपर कितना ब्लेम लग रहा है हर तरफ से। कोरोना की दवा हमारी मर्जी के बिना बना कैसे दी, अरे तुमसे तो नहीं हुआ, बंदे ने बनाई तो सही, उसको ढूंढो, उसकी कुछ कमियां है तो उनको रिकवर कराओ। आपके लिए जन भावना मायने रखती है, या फिर वो पर्सन रेवेन्यू कर लेगा इसलिए आपको वो भावना मायने रखती है। अब आप एक चीज और सर्च कर लेना, एक और कंपनी है जिसने एक दावा किया, ऐसा टैबलेट उसने बनाई है, वो कह रही है कि आप 31 टैबलेट है, एक टैबलेट होगी तकरीबन 100 रुपए की, 3500 रुपए की आप टैबलेट ले लो, कोरोना के अंदर आपको इलाज मिल जाएगा, मतलब आपका कोरोना ठीक हो जाएगा 3500 रुपए। और वहीं पर ये बेचारा 500 रुपए के अंदर एक किट लेके आ रहा है, औषधि का जो 3 इंट सम का जो किट था उसका, उसको लेकर आपने इसको इतना बड़ा बवाल कर दिया। तो वी आर फॉलोइंग द कैक्टस प्रोसीजर, केकड़े की जो प्रवृत्ति होती है वो खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की सरकारें जो होती है, मुझे नहीं लगता वो जन भावना के हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि जन भावना के हिसाब से काम करती होती थोड़ा सपोर्ट करती, थोड़ा उसकी कमियां आए तो उनको बाहर निकालती, पहले कमी तो ढूंढो। आप डायरेक्टली उन्होंने कोरोना की दवा बना कैसे दी, अरे तुमसे पूछ के हर चीज का नाम करना पड़ेगा, तुमसे तो होता नहीं है। ये आजकल की मतलब जो गवर्नमेंट है उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में, कि आपको जहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करना वो तो आप कर नहीं रहे हो, और अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो एटलीस्ट जाके एक बार देखो तो सही, एक बार देखो तो सही उस मामले के अंदर क्या है क्या नहीं है। खैर जो भी है, अब इस चीज़ को लेके कुछ भी नहीं कह सकते अपन, लेकिन बात ये है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द डेमोक्रेसी, और हम जो चाहते हैं वो चीज़ हो सकती है। अगर वाकई में वो दवाई अच्छी है तो हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सफ़र तो हम लोग कर रहे हैं ना। जो कोरोना के इनिशियल पेशेंट थे उनको तो राजा महाराजाओं की तरह रखा जाता था, अब अगर आप गलती से कोरोना आपको आ गया और आप हॉस्पिटल में चले गए ना, आपकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि अभी हॉस्पिटलों की सिचुएशन बहुत डाउन हो रखी है, है ना, बहुत डाउन हो रही है। कई तरह के वीडियो हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं, मतलब कभी कभी तो लगता है यार शुरुआत में कोरोना हो जाए तो ठीक है, होगा तो सही, एक न एक दिन तो होगा, ये तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ये स्प्रेडिंग हो रहा है उस हिसाब से एक न एक दिन तो होना ही होना है। तो यहाँ पर लेट्स सी क्या होता है, बट कहीं कहीं वी नीड, हमें एक्चुअली जरूरत है कोरोना का कोई ऐसा कुछ इलाज विलाज मिल जाए तो, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए आज की क्लास आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एक नया तरीका करने का प्रयास किया था, मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा फीलिंग से जोड़ के किसी अन्य चीज़ को समझा जाए, लॉ को समझा जाए तो लॉ भी मुश्किल नहीं है, है ना। तो हिंदू लॉ का एक पोर्शन आज किया था, उसके अलावा वापस मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वर्किंग डे पर। थैंक यू सो मच।